देखिए, आसाम के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अनफॉर्चुनेट है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दे दिया कि आप FIR लॉन्च कर दो। किसी भी मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का अधिकार नहीं होता है कि आप किसी पुलिस वालों को अधिकार कहो कि आप सीधा FIR दर्ज कर दो। ये प्योरली काम CRPC के अंतर्गत ये काम होता है। SHO वो तय करता है कि जो घटना घटित हुई है वो घटना किस रूप में हुई है, क्यों हुई है और क्या क्या धारा लगेगी और FIR लॉन्च होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये फैसला भी SHO करता है। मुख्यमंत्री निर्देश देने लग जाएंगे, वो दुश्मनी निकालने के लिए किसी के लिए कह देंगे, तो ये बहुत गलत किया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अगर हरकतें होगी तो अन्य राज्यों में कोई जाएगा जो नॉन BJP गवर्नमेंट है, वहाँ कोई जाएगा केंद्रीय मंत्री या इनका बड़ा नेता जाएगा BJP का, उसके खिलाफ में अगर इस प्रकार का आदेश देगा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कि आप FIR लॉन्च कर दीजिए, तो आप सोच सकते हो कि ये कई नई परंपरा डाल रहे हैं लोग। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस प्रकार की जो यात्रा शानदार चल रही है उसको डिस्टर्ब करने का षड्यंत्र है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ।